ऑल राइट, तो बच्चा लोग अभी तक आपको पता लग गया होगा कि हम लोग आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। तो वक्त को बर्बाद नहीं करते हैं, फटाफट से चलते हैं क्लास में। हे गाइस, वेलकम टू दिस लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इंपैक्टफुल लाइव ऑनलाइन ट्यूटरिंग प्लेटफॉर्म दैट इज PW। तो मेरे प्यारे बच्चों, दिल के सच्चों, आई होप आपने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स को देख लिया है और आपको सब कुछ समझ में आ गया है। तो अब सुनील सर आज के लेक्चर में क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो बच्चा लोग कुछ बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द केमिस्ट्री ऑफ मैचस्टिक, या इसको कहते हैं मैचेस। इसके बारे में डिटेल में करेंगे चर्चा। तो सर जी, किस किस चीज पे नॉलेज राइड होने वाली है प्यारे बच्चों? नॉलेज ऐड होने वाली है टाइप्स ऑफ मैचेस पे या मैचस्टिक पे। उसके बाद चर्चा करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ मैचेस या मैचस्टिक, इसे कंपोनेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। इस डब्बा है ना, इस डब्बे के ऊपर इसका कंपोनेंट क्या क्या, इनकी भी चर्चा करेंगे, मैचस्टिक के कंपोनेंट की भी चर्चा करेंगे। बहुत मजा आएगा प्यारे बच्चों। उसके बाद हम करेंगे चर्चा वर्किंग ऑफ मैचस्टिक, यानी इसकी केमिस्ट्री क्या है, कैसे जलती है, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, डिटेल में करेंगे इसकी हम लोग चर्चा। तो अब इस चर्चा के लिए मैं आप लोगों को ले चलता हूं एकदम बढ़िया से एनिमेशन की दुनिया में, बहुत अच्छे से सीखेंगे इसको। तो चलते हैं सुनील सर फटाफट से। हाँ, तो बच्चा लोग, अब इस चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है। तो हमारा जो पार्ट नंबर 1 है, यहां पर हम बात करेंगे कि हमारे पास टाइप्स ऑफ मैचस्टिक्स कौन कौन सी होती है। तो पहला होता है हमारे पास सेफ्टी मैचस्टिक, एंड दूसरा हमारे पास होता है स्ट्राइक एनीवेयर मैचस्टिक। अब आप लोगों का सवाल होगा कि सर इनमें डिफरेंस क्या है और हम जो घर पे यूज करते हैं वो कौन सी है। तो जो आप घर पे यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं सेफ्टी मैचस्टिक्स या सेफ्टी मैचेस। अब उसमें होता क्या है कि उस मैचस्टिक को आपको एक स्पेशली प्रिपेयर्ड सरफेस के अगेंस्ट में रब करना होता है और वो तब जलती है। और स्ट्राइक एनीवेयर मैचस्टिक आपकी क्या है, जिसका नाम ही उसको समझा रहा है, कहीं पे भी स्ट्राइक कर दो किसी भी सरफेस पे जहां पर उसको फ्रिक्शन मिलेगा वो जल जाएगी, है ना। तो हमारा जो मेजर डिस्कशन रहने वाला है वो सेफ्टी मैचस्टिक्स के ऊपर रहने वाला है, बट मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया स्ट्राइक एनीवेयर मैचस्टिक्स का भी दे दूंगा। हां, तो बच्चा लोग, अब हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं ऑन दी पार्ट 2। अब पार्ट 2 में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द मैचस्टिक एज वेल एज द मैच बॉक्स। अभी किसकी चर्चा हो रही है? ये सेफ्टी मैचस्टिक की चर्चा हो रही है। तो सर सबसे पहले हमारे जो मैच बॉक्स है उसके अंदर क्या क्या होता है? तो मैच बॉक्स में जो स्पेशली प्रिपेयर्ड आपका सरफेस होता है उसके अंदर क्या होता है, पाउडर्ड ग्लास और रेड फॉस्फोरस का इस्तेमाल होता है। तो सर ये पाउडर्ड ग्लास क्या करता है? ये पाउडर्ड ग्लास क्या करता है कि जैसे ही आप मैचस्टिक को इसके अगेंस्ट में रब कर रहे हैं तो ये फ्रिक्शन जनरेट करता है। फ्रिक्शन से क्या जनरेट होगा? हीट जनरेट होगी, ठीक है। तो इसका काम ये है। और रेड फॉस्फोरस का काम है, तो जब मैं इसकी एक्सप्लेन करूंगा वर्किंग, तो आपको रेड फॉस्फोरस की वर्किंग भी मैं यहां पे बताऊंगा, ठीक है सर। अब हमारी जो मैचस्टिक है इसके अंदर क्या क्या होता है सर? तो सबसे पहली चीज जो आपकी मैचस्टिक की जो बॉडी है ना, इसमें ऊपर ही ऊपर आपको सबसे ऊपर एक मैचस्टिक का हेड नजर आता है, यानी टाट, जैसे हमारी बॉडी में हेड है ना, ऐसे ही यहां पे एक हेड आपको नजर आ रहा होगा। हाँ सर। तो ये हेड में क्या क्या होता है सर? इस हेड में सबसे पहली चीज होती है फ्यूल। क्या होता है? फ्यूल, जो जलेगा, जो कंबशन शो करेगा, फ्यूल। हाँ सर। दूसरी चीज होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आप सोच रहे होंगे ये आपने क्या बोल दिया सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? तो बच्चा लोग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि यहां पर ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा हमारे फ्यूल को, ताकि वो बेहतर तरीके से जल सके। उसके बाद हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं बाइंडर। बाइंडर में क्या होता है? ग्लू दैट इज मिक्स विद स्टार्च। अब इसका क्या काम है सर? इसका ये काम है कि इन सारी चीजों को बांध के रखता है, ठीक है, एक साथ रखता है। ये काम है आपके बाइंडर का। एंड उसके बाद चौथी चीज है इसका कलर, जिसके लिए हम यूज करते हैं डाई। आपने देखा होगा रेड कलर की आपको मैचस्टिक्स मिलती हैं, ग्रीन कलर की मैचस्टिक्स का हेड मिलता है, या कभी कभी काले कलर का मिलता है। तो ये जो स्पेसिफिक कलर है ये डिफरेंशिएट करने के लिए, बॉडी को हेड से डिफरेंशिएट करने के लिए हम स्पेसिफिक कलर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
अब सर फ्यूल कौन सा यूज होता है? तो पहले सल्फर यूज किया जाता था, आजकल एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड भी यूज किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो पोटेशियम क्लोरेट का इस्तेमाल होता है। ठीक है बच्चा लोग, तो मैचस्टिक का हेड तो मेरे सारे प्यारे बच्चों को आई होप क्लियर हो गया है। हाँ जी सर। अब यहां पर ये जो लकड़ी है ना जिससे ये मैचस्टिक बनी है, क्या आपने सोचा है ये किससे बना होगा? ये क्या है सर, ये किससे बना है? तो प्यारे बच्चों, ये आपका जो है ये एस्पेन की जो लकड़ी होती है उससे बनाया जाता है, या फिर व्हाइट पाइन से इसको बनाया जाता है। ठीक है, अभी यहां पर डिस्कशन एंड नहीं हुआ। इसके ऊपर आपको पैराफिन वैक्स की एक लेयर चढ़ाई जाती है, जो आपको दिखेगी नहीं लेकिन वो चढ़ी हुई होती है। इसका क्या काम है सर? इसका ये काम है कि जब स्टार्टिंग में मैच हेड पे आग लगती है तो वो आग यूनिफॉर्मली पूरी की पूरी मैच स्टिक पे ट्रेवल करे, ये काम पैराफिन वैक्स का होता है। अब एक और मैजिकल चीज इसके ऊपर लगाई जाती है, जो मैचस्टिक है ना इसके ऊपर एक और मैजिकल चीज लगाई जाती है जिसे हम बोलते हैं अमोनियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। सर ये क्या है, ये क्या करता है? तो प्यारे बच्चों ये क्या करता है, ये एक तरीके से एक फायर रिटार्डेंट है जिसका काम है फायर को एक्सटिंग्विश करना। अब आप सोच रहे हो माचिस का काम आग लगाने का है कि आग बुझाने का है? आग लगाने का ही काम है, लेकिन ये जो बॉडी है इसके ऊपर हम अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट इसीलिए लगाते हैं कि जैसे आपने मैचस्टिक को जलाया तो अब आपका काम हो गया, अब आपने उसको फेंक दिया, लेकिन कभी कभी उसमें आफ्टर ग्लो रहता है। क्या रहता है? आफ्टर ग्लो रहता है उस लकड़ी के अंदर, यानी जिसे हम कह सकते हैं स्मोल्डरिंग हो रही है, वो ग्लो रहता है जिसे कोई भी चीज आग पकड़ सकती है। तो अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट ये इंश्योर करता है कि वो जो आग जो आफ्टर ग्लो आ रहा है ना वो बुझ जाए और वो वहां पे ना रहे। ठीक है, तो आई होप आपको पार्ट टू के सारे कॉम्पोनेंट्स अच्छे से समझ में आ गए हैं। ऑल राइट बच्चा लोग, तो अब बारी है हमारे पार्ट थ्री को स्टार्ट करने की, जिसमें कि हम केमिस्ट्री डिकोड करने जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप कि मैचस्टिक में आग कैसे लगती है। तो जैसे हमने एक सेफ्टी मैचस्टिक को निकाला और इसको हमने रब किया अगेंस्ट द स्पेशली प्रिपेयर्ड सरफेस ऑफ द मैच बॉक्स, तो होगा क्या? भाई पाउडर्ड ग्लास है और इसके अगेंस्ट में जैसे ही रब किया तो बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन हीट जनरेट होगा, एंड इस मैचस्टिक के यानी जो मैच बॉक्स है इसके ऊपर जो रेड फॉस्फोरस है ये व्हाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये फटाफट से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करता है, आग पकड़ लेता है, हमें पता है स्पॉन्टेनियस कंबशन शो करता है। अब ये आग पकड़ लेगा, अब ये आग पकड़ लेगा तो होगा क्या कि हमारा जो फ्यूल है एक तो ये इग्नाइट होगा, एंड इसके साथ ही जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पोटेशियम क्लोरेट उसको ये हीट मिलेगी और ये क्या करेगा, थर्मल डीकंपोजिशन शो करेगा। मतलब कि अपन ने उसको हीट देके सेवरल प्रोडक्ट्स में तोड़ दिया, जिसमें से उसका एक प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, ये होगा ऑक्सीजन। उसको ऑक्सीजन मिल जाएगी। ठीक है, वो ऑक्सीजन जो है वो इस फ्यूल को प्रोवाइड कर देगा। हीट तो फ्यूल को मिल ही चुकी है, तो फ्यूल में आग लग जाएगी, मतलब एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड में आग लग जाएगी या सल्फर में आग लग जाएगी। ठीक है, अब इस आग को इवनली ट्रेवल कैसे कराते हैं लकड़ी के ऊपर? इवनली ट्रेवल कराने के लिए हमने पैराफिन वैक्स लगा रखा है और आफ्टर ग्लो को हटाने के लिए हमने अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट को लगा रखा है। तो इस तरीके से आग लगती है। अब ये तो भी सेफ्टी मैचस्टिक की बात है ना। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे हमारी बुक में व्हाइट फॉस्फोरस व्हाइट फॉस्फोरस व्हाइट फॉस्फोरस है, उसका क्या इस्तेमाल है सर? तो देखिए, कुछ लोग पहले स्टार्टिंग में व्हाइट फॉस्फोरस को मैचस्टिक के हेड में यूज करते थे। ठीक है, अब आप इसको यूज करेंगे अगर व्हाइट फॉस्फोरस को मैचस्टिक के हेड में, तो ये एक तरीके से स्ट्राइक एनीवेयर मैचस्टिक बन गई। कैसे सर? आपका मैचस्टिक का जो हेड है इसमें फ्यूल है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और आपने व्हाइट फॉस्फोरस यूज किया, साथ में आपने बाइंडर यूज किया है, डाई यूज किया है। अब व्हाइट फॉस्फोरस उसके अंदर है, तो जैसे ही किसी फ्रिक्शनल सरफेस पे आप इसको रब करेंगे फटाफट से आग पकड़ लेगा, वो जल्दी से आग पकड़ लेगा। उसको जलने के लिए बहुत कम टेम्परेचर चाहिए, 30 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्स टेम्परेचर से फटाफट आग पकड़ लेता है वो। तो फिर उसको हटाया क्यों, व्हाइट फॉस्फोरस को हटाया क्यों? स्ट्राइक एनीवेयर मैचस्टिक को नहीं हटाया, व्हाइट फॉस्फोरस को हटा दिया। इसके पीछे का रीजन ये था कि व्हाइट फॉस्फोरस एक तो पॉइजनस होता है, तो बहुत लोग क्या करने लगे, मैचस्टिक के हेड को खा के सुसाइड करने लगे। दूसरा, जब आप इसको जलाते हैं तो इससे जो वेपर्स निकलती हैं व्हाइट फॉस्फोरस से
उससे क्या हुआ, फॉजी जॉ करके एक बीमारी होने लगी, यानी डीकम्पोजिशन होने लगा आपके जॉ बोन्स का, पस पस भरने लगा, लोगों को दर्द होने लगा, तो ये सारी दिक्कतें आने लगी। इस वजह से व्हाइट फॉस्फोरस को हटा दिया गया और आपका रेड फॉस्फोरस यूज करने लगे। तो चाहे वो सेफ्टी मैचस्टिक हो चाहे स्ट्राइक एनीवेयर मैचस्टिक हो, रेड फॉस्फोरस का इस्तेमाल होता है। सेफ्टी मैचस्टिक के केस में जो माचिस का डब्बा है आपका, इसके ऊपर रेड फॉस्फोरस लगा होता है, इसको सेफ्टी मैचस्टिक कहते हैं। स्ट्राइक एनीवेयर मैचस्टिक में ये जो रेड फॉस्फोरस है, ये फ्यूल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ही प्रेजेंट होता है। आप जैसे किसी सरफेस पे अगर इसको स्ट्राइक करेंगे, तो बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन रेड फॉस्फोरस व्हाइट में कन्वर्ट होगा, व्हाइट फॉस्फोरस स्पॉन्टेनियस कंबशन शो करेगा और आग लग जाएगी। तो इस तरीके से सेफ्टी मैचस्टिक्स एंड स्ट्राइक एनीवेयर मैचस्टिक्स आपकी काम करती है। अब चलते हैं क्लास में और पढ़ते हैं कुछ बेहतरीन से क्वेश्चंस, कुछ बेहतरीन से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं इसके ऊपर। तो बच्चा लोग, आई होप आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई है और अब बारी है रैपिड फायर की। क्या होता है रैपिड फायर के अंदर, सभी को पता है आपको हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड्स मिलने वाले हैं, 5 सेकंड में आपको उस क्वेश्चन का आंसर करना होगा। ठीक है सर, स्टार्ट करिए। तो पहला सवाल जो करेगा बवाल, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन द मैच हेड ऑफ अ सेफ्टी मैचस्टिक। ठीक है, तो इसमें से कौन सा फ्यूल की तरह यूज किया जाता है मैचस्टिक के हेड में। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड, एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड, एडीपी, ये क्या है, अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, या फिर नन ऑफ दी अबव। ऑल राइट बच्चा लोग, सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड। मैंने आपको बताया था कि एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड है ना, या तो आप बेसिकली ये यूज कर सकते हैं। एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड क्या होता है, ये होता है Sb2S3 है ना, या तो आप ये यूज कर सकते हैं या फिर ओनली आप क्या यूज कर सकते हैं, सल्फर को एज आप क्या यूज कर सकते हैं, एज फ्यूल यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर, इजी है, कोई दिक्कत नहीं, आपने पढ़ाया था, हमें आता है ये, बढ़िया। अगली चीज, अगला क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग वाज डिस्कार्डेड ड्यू टू अ डिजीज कॉल्ड फॉजी जॉ। तो क्या था, रेड फॉस्फोरस था, व्हाइट फॉस्फोरस था, अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट था, या बेसिकली पोटेशियम क्लोरेट था। ऑल राइट बच्चा लोग, सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज व्हाइट फॉस्फोरस। देखिए व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि पहले व्हाइट फॉस्फोरस यूज होता था, लेकिन इसको डिस्कार्ड कर दिया गया बिकॉज ऑफ अ डिजीज नोन एज फॉजी जॉ, जिस वजह से जो आपके जॉज हैं इनका डिग्रेडेशन, डिकॉम्पोजिशन होने लगा, लोगों टूथएक्स होने लगे, पस बनने लगा, तो ये बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट होने लगी। एंड दिस वॉज पॉइजनस एज वेल, लोग मैचेट जो मैचस्टिक का हेड है उसको खा के सुसाइड करने लगे, सो दैट्स व्हाई इट वाज डिस्कार्डेड। ठीक है, तो ये फॉजी जॉ हुआ था है ना, फॉजी जॉ हो रहा था, इस वजह से इसको क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया गया था व्हाइट फॉस्फोरस को। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 3। स्ट्राइक एनीवेयर मैचस्टिक डज नॉट रिक्वायर अ स्पेशली प्रिपेयर्ड सरफेस लाइक सेफ्टी मैचस्टिक टू इग्नाइट। सो इज दिस अ ट्रू स्टेटमेंट और इज दिस अ फॉल्स स्टेटमेंट। ऑल राइट बच्चा लोग, सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है। देखिए स्ट्राइक एनीवेयर मैचस्टिक को कोई स्पेशल प्रिपेयर्ड सरफेस, जैसे कि अपने सेफ्टी मैचस्टिक के केस में अपन एक सरफेस यूज करते हैं जिसमें पाउडर्ड ग्लास और रेड फॉस्फोरस होता है, आपके स्ट्राइक एनीवेयर मैचस्टिक को ऐसा कोई सरफेस का जरूरत नहीं है, मतलब ऐसी कोई स्पेशली प्रिपेयर्ड सरफेस की जरूरत नहीं है। कोई भी सरफेस जो फ्रिक्शन ऑफर करेगा, आप करके करें स्ट्राइक, जल जाएगा, जल जाएगा, जल जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो बच्चा लोग, बारी है चीजों को फटाफट से रिवाइज करने की, समराइज करने की, तो लेट्स समराइज। तो बच्चा लोग, आज की क्लास में हमने सबसे पहले डिस्कशन किया अबाउट द टाइप्स ऑफ मैचेस या टाइप्स ऑफ मैचस्टिक्स के बारे में, एंड इसके दो टाइप्स हैं, दैट इज द सेफ्टी मैचस्टिक्स एंड द स्ट्राइक एनीवेयर मैचस्टिक या स्ट्राइक एनीवेयर मैचेस। अब सेफ्टी मैचस्टिक या सेफ्टी मैचेस वो होती है जिसके लिए आपको एक स्पेशली प्रिपेयर्ड सरफेस बनाना पड़ेगा, जिसपे कि अपन जब इसको स्ट्राइक करेंगे, रब करेंगे, तो ये इग्नाइट हो जाती है।
वाइल स्ट्राइक एनीवेयर मैचस्टिक को आप किसी भी सरफेस पे स्ट्राइक करें जो फ्रिक्शन ऑफर करता है तो इनमें इग्निशन हो जाता है। उसके बाद हमने कंपोनेंट्स ऑफ मैचस्टिक के बारे में बात करी, तो अगर हम यहां पर कंपोनेंट ऑफ सेफ्टी मैचस्टिक की बात करें तो जो मैच बॉक्स होगा उस पे जो स्पेशली प्रिपेयर्ड सरफेस हम देखते हैं दैट कंटेन्स टू थिंग्स, वन इज पाउडर्ड ग्लास एंड अनदर इज रेड फॉस्फोरस। वाइल अगर हम मैचस्टिक की बात करें तो जो हमारी मैचस्टिक है उसका जो मैच हेड होगा दैट कंटेन्स फ्यूल, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बाइंडर एंड डाई, एंड जो हमारी मैचस्टिक होगी उसके ऊपर पैराफिन वैक्स एंड एक फायर रिटार्डेंट यूज किया जाता है दैट इज अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। ट्राइक एनीवेयर मैचस्टिक की बात करें तो उसके लिए कोई स्पेशली प्रिपेयर्ड सरफेस नहीं चाहिए, एंड जो मैचस्टिक है उसके मैच हेड में आपके पास फ्यूल, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रेड फॉस्फोरस, बाइंडर एंड डाई होगा। एंड अगेन जो मैचस्टिक की बॉडी है इसमें आपके पास पैराफिन वैक्स का एक लेयर होगा एंड आपके पास अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट भी होगा। तो आई होप प्यारे प्यारे बच्चों एंड मीणा जी मजा आया कि नहीं, कहा था ना आखिरी में पूछेंगे आपसे कैसा लगा। सुनील भैया मजा आ गया, फील आ गया, अपने दिल जीत लिया। सुनील भैया दिल जीत लिया ना, मैंने दिलों को जीत लेता हूँ मैं, है ना मजा आया ना, मिले अगली क्लास में, चलो ठीक है तब।